स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन इन माई चैनल। आई एम विशाल चौधरी एंड टूडे वी आर गोइंग टू कम्प्लीट द एक्सरसाइजेस दैट इज़ बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड योर चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कारबंकल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट, दिस इज द ए सेक्शन एंड क्वेश्चन इज योर्स दैट टिक टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर दीज सेंटेंसेज। यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी जो एक्सरसाइज ट्रू है उसके ट्रू पर टिक करना है और जो फॉल्स है उसके फॉल्स पर टिक करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द आई इन द स्टोरी रेफर्स टू शेरलॉक होम्स। इस कहानी में जो आई है मीन्स जो नरेटर है वो क्या हमारा शेरलॉक होम्स ही है? तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सो स्टूडेंट, इसका आंसर है फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है, हेनरी बेकर वॉज अ रिच मैन। हेनरी बेकर एक रिच मैन थे, क्या ये बात सही है, ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है ट्रू। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैथरीन क्यूसेक एंड जेम्स राइडर स्टोल द ब्लू कारबंकल फ्रॉम द काउंटेस ज्वेल केस। कैथरीन क्यूसेक और जेम्स राइडर ने चुराया था ब्लू कारबंकल को जो काउंटेस थी उनके ज्वेल केस से। दिस इज ट्रू और फॉल्स? सो स्टूडेंट, ये ऑप्शन भी आपका ट्रू ही है। फोर्थ की ओर चलते हैं। जेम्स राइडर सिस्टर हेल्प्ड हिम स्टील द कारबंकल। जो जेम्स राइडर थे उनकी सिस्टर ने उनकी मदद की थी कारबंकल को चुराने में। दिस इज फोर्थ वन। तो इसका आंसर है फॉल्स। फिफ्थ की ओर चलते हैं। द प्लम्बर जॉन हॉर्नर वॉज इनोसेंट। जो जॉन हॉर्नर थे वो निर्दोष थे, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? सो स्टूडेंट, ये बात ट्रू है। सिक्स है, शेरलॉक होम्स गॉट जेम्स राइडर अरेस्टेड। शेरलॉक होम्स ने जेम्स राइडर को अरेस्ट कर लिया था, तो ये बात भी बच्चों फॉल्स है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की ओर को। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं क्वेश्चन के आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु वॉज पीटरसन। बच्चों, पीटरसन कौन थे? फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज पीटरसन, पीटरसन कौन थे? तो इसका आंसर है पीटरसन वॉज अ कमिश्नर। जो पीटरसन थे वो एक कमिश्नर थे। कमिश्नर कहते हैं बच्चों एक पर्सन हुज जॉब इज़ टू स्टैंड एट द एंट्रेंस टू अ होटल और अदर पब्लिक बिल्डिंग एंड वेलकम पीपल। ये ऐसे इंसान होते हैं जो होटल या किसी पब्लिक बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं और जनरली लोगों का वेलकम करने के लिए, उन पर फूल गिराने के लिए खड़े होते हैं। तो पीटरसन भी एक हमारा इसी तरह का व्यक्ति था। क्वेश्चन है आपका, लिस्ट एनी थ्री शेरलॉक होम्स अबाउट हेनरी बेकर आफ्टर एग्जामिनिंग द हेट। तीन चीज़ें बताइए जो शेरलॉक होम्स ने पता लगाई थी हेनरी बेकर के हेट को देख करके। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है शेरलॉक होम्स डिड्यूस दैट हेनरी बेकर डिड नॉट गॉट आउट मच, दैट ही हैड वंस बीन वेल्थी बट हैड फॉलन अपॉन डिफिकल्ट टाइम एंड दैट ही वॉज अ मैन विथ सेल्फ रेस्पेक्ट। जो बातें शेरलॉक होम्स ने पता लगाई थी वो बातें थी कि वह कभी अमीर रहा होगा लेकिन अब वह गरीब हो चुका है, मुसीबत का वक्त है और वह एक इंसान है जो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को तवज्जो देता है। थर्ड क्वेश्चन है, वर द ठग्स हु असॉल्टेड हेनरी बेकर। जो ठग्स थे, गुंडे थे जिन्होंने हेनरी बेकर पर हमला किया था, इन्वॉल्व्ड इन स्टीलिंग द कारबंकल, वो कारबंकल की चोरी में इन्वॉल्व थे? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है नो, दे हैड नथिंग टू डू विद द थेफ्ट ऑफ द कारबंकल। उन्होंने कुछ नहीं किया था, कारबंकल की चोरी में उनका कोई हाथ नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल्स अस हेनरी बेकर वॉज नॉट अ बैचलर। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो ये बताता है इस स्टोरी में कि जो हेनरी बेकर थे वो बैचलर नहीं थे? तो द सेंटेंस, दिस हैट विद अ वीक्स एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट अपॉन इट। ये आंसर है बच्चों। एक सेंटेंस था स्टोरी में
कि ये जो हैट है विद अ वीक्स एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट अपॉन इट, इस पर हफ्तों से धूल जमी हुई है, शोज ये दिखाता है दैट हिज वाइफ हैज सीज्ड टू लव हिम, कि जो उसकी पत्नी है उसको प्यार करना उसने बंद कर दिया है, एंड डज नॉट बॉदर हिम गोइंग आउट इन सच ए स्टेट, और वो उसके साथ जाना नहीं चाहती इस अवस्था में। तो ये सेंटेंस हमें दिखाता है कि जो हेनरी बेकर थे वो कुवारे नहीं थे, मींस वो शादीशुदा थे। अब पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी इज द टर्निंग पॉइंट दैट हेल्प्ड शेरलॉक होम्स सॉल्व द केस फास्टर, ऐसी कौन सी घटना हुई स्टोरी में जो जिसकी मदद से शेरलॉक होम्स ने इस केस को जल्दी से सॉल्व आउट कर लिया था। तो बच्चों इसका आंसर है द टर्निंग पॉइंट इज पीटरसन्स रशिंग इनटू द रूम शेरलॉक होम्स दैट हिज वाइफ हैड फाउंड समथिंग इनसाइड द गूस, जब पीटरसन दौड़ते हुए शेरलॉक होम्स के कमरे में आया और कहा कि उसकी वाइफ ने गूस के अंदर से, हंस के अंदर से, पेट के अंदर से कुछ मिला है, जब वो उसको किचन में पकाकर बना रही थी, खाने वाले थे वो उसको, इट टर्नड आउट टू बी ए स्टोलन ब्लू कार्बंकल। तब शेरलॉक होम्स को ये पता चल चुका था कि ये कार्बंकल की चोरी के बारे में केस है। बच्चों अब सी ऑप्शन आता है, आप इसको देखिए, हियर रिटन एज रीड दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आपको ये कहानी की कुछ लाइनें दी गई हैं, इनको पढ़ना है और क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, डिड यू थिंक एट ऑल ऑफ दिस पुअर ऑर्नर हु वॉज अरेस्टेड फॉर अ क्राइम ऑफ विच ही न्यू नथिंग, क्या आप सोचते हैं पुअर ऑर्नर के बारे में जो अरेस्ट हो चुका था उस क्राइम के लिए जिसके बारे में वह कुछ जानता भी नहीं था। तो यहाँ इसका आंसर आपको लिखना चाहिए बच्चों, शेरलॉक होम्स सेड दीज वर्ड्स टू जेम्स राइडर, ये वर्ड शेरलॉक होम्स ने कहे थे जेम्स राइडर को। नेक्स्ट बच्चों बात आती है कि व्हाई डिड होम्स रेफर टू द अरेस्टेड मैन एज दिस पुअर हॉर्नर, इसका आंसर है बच्चों, ही अरेस्टेड हिम, उसने उसको गिरफ्तार किया था दैट वे बिकॉज हॉर्नर हैड नॉट कमिटेड द क्राइम फॉर विच ही हैड बीन अरेस्टेड। नेक्स्ट थर्ड आता है, हाउ डिड होम्स लर्न दैट हॉर्नर वॉज अरेस्टेड, इसका आंसर है बच्चों, होम्स रेड अबाउट हॉर्नर्स अरेस्ट इन द पेपर द टाइम्स। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द रेस्पॉन्स ऑफ द लिसनर्स टू द क्वेश्चन, तो इसका आंसर है बच्चों, द लिसनर्स ऑफर्ड टू लीव द कंट्री सो दैट द चार्ज अगेंस्ट हॉर्नर वुड बी ड्रॉप्ड। अब दिस इज द सी पॉइंट, एंड इफ वी टॉक अबाउट द डी पॉइंट, तो दिस इज डिस्कस ओनली, एंड इफ यू वॉन्ट सो यू कैन डिस्कस, सो स्टूडेंट इवन इफ यू वॉन्ट सो यू कैन ट्राई at your own self any issue regarding any issue you can whatsapp me related to the d or e point discuss or speaking point and now this work what we had already what we have discussed in this video you have to do in your notebook when you are going to note down in your notebook so you can pause the video till then and note down in your notebook then after you can also continue or play the video to move further. So student, thank you very much.